पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हीटिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ गैसेज में नॉन फ्लो प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। तो नॉन फ्लो प्रोसेस रहेंगी ये। तो नॉन फ्लो प्रोसेस हीटिंग और एक्सपेंडिंग ऑफ गैसेज में दो होती हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होता है, वो प्रोसेस होती है जो कि रिपीट होती है। इरिवर्सिबल वो प्रोसेस होती है जिसमें रिपीट नहीं होती है प्रोसेस। तो इसमें पहला होता है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, सेकंड होता है इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। इसमें हम सबसे पहले हम जानेंगे जो ये होता है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, ये होती है हमारे पास 6 टाइप्स की होती हैं। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोला जाता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जिसको आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं, फिर होता है हाइपरबोलिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं इसको, एडियोबेटिक प्रोसेस जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, और फिर होता है पोलीट्रोपिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हैं ये सभी प्रोसेस होती हैं रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। अगर कोई पूछा जाता है तो रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के टाइप में अगर आता है तो ये आपको 6 टाइप्स लिखना है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियोबेटिक प्रोसेस, पोलीट्रोपिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आएगा उसमें आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबेरिक प्रोसेस बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, और एडियोबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोला जाता है। ये जो 6 टाइप्स होते हैं ये होते हैं रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के टाइप। फिर होता है सेकंड होता है इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। इसमें दी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। जितनी भी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होती हैं उनको हम इरिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस बोलते हैं। ये होता है हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज इन नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस के टाइप होते हैं।